यूक्रेन के हालातों को अगर बयां किया जाए तो शायद वो शब्दों में बयां ना हो। जो दर्द लोगों की आंखों ने देखा है, जो दर्द उन्होंने सहा है अपनों को खोते हुए देखकर, उसे कहना गलत नहीं होगा कि कितनी ही परेशानियां वहां पर रह रहे लोगों को भुगतनी पड़ रही होंगी, सिर्फ और सिर्फ दो देशों की तलखी के कारण। और उसी बीच कुछ भारतीय मूल के छात्र जो कि यूक्रेन में फंसे थे, उनके लिए भारत सरकार की ओर से ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया गया है और ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय छात्रों को वापस स्वदेश लाने का सिलसिला जारी है। बहुत से छात्र ऐसे हैं जो कि स्वदेश वापसी कर चुके हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भारत सरकार उनकी मदद के लिए आगे आएगी और उन्हें वापस स्वदेश लेकर आएगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आखिरकार जिस तरीके से भारत सरकार की ओर से कदम उठाया गया है, युद्ध जैसे हालात बनते हैं उसके बाद छात्रों की वापसी का सिलसिला शुरू होता है, कुल मिलाकर इन दो देशों के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें नुकसान रूस का भी उतना ही है, यूक्रेन का भी उतना ही है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि आम जनता इस बीच ये भुगत रही है कि जब जंग होती है तो कैसे हालात बनते हैं और उन हालातों का क्या असर होता है। लगातार भारतीय छात्रों के वापस भारत पहुंचने का सिलसिला जारी है, लेकिन इसी बीच हमारे साथ छात्र भी जुड़ेंगे जो हमें बताएंगे उन आंखों देखी सच्चाई को, उन आंखों देखी कहानियों को जिनसे आज हम आपको रूबरू करवाएंगे। खबरें अभी तक पर यूक्रेन से वापस लौटे छात्र लगातार संपर्क में हैं और इससे पहले जो छात्र यूक्रेन में फंसे उनके साथ भी लगातार खबरें अभी तक संपर्क में रहा है और फरीदाबाद से भूमिका चौधरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, यूक्रेन से हाल ही में वापस लौटी हैं, वहां पर अपनी पढ़ाई कर रही थी। भूमिका जी, सबसे पहले स्वागत करती हूँ स्वदेश में आपका। जानना चाहूंगी आपसे, यूक्रेन में जब आप थी कैसे हालातों का सामना आपने किया? मैम, हमें सबसे पहले तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिला जिसकी वजह से हमें लगभग 50 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था, ठीक है। उसके बाद हमें बॉर्डर से पहले इतना ज्यादा सफर करना पड़ा था कि मतलब हमें खाने का इश्यू था, पानी का इश्यू था, बर्तन मिलना हो रही थी। उसके बाद जब हमने बॉर्डर क्रॉस करा जी, हमें गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प करी जी, पर उससे पहले हमें बिल्कुल भी कोई हेल्प नहीं थी। बहुत ज्यादा इश्यू हो रहे थे, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली तीनों तरीके से जी। कुछ घटनाएं हमारी जिंदगी में ऐसी भी होती हैं जो हमारे दिलो दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ देती है। और अगर बात रूस और यूक्रेन की युद्ध की जाए तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जहां भविष्य बनाने आप गए हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता था कि कभी ना कभी एक ना एक दिन जहां भविष्य बनाने के लिए आप गए हैं वहां आपका भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा? मैम, लगा तो नहीं था, क्योंकि हमारी फैमिली ने जब हमें भेजा था उससे पहले सब रिसर्च कर दी थी, जैसे कि चाइना का आप जानते हैं, तो हमारी फैमिली ने बहुत ऐसी चीज जगह चुनी थी जहाँ पे हम सेफ रहे, हमारा फ्यूचर सेफ रहे और हर एक चीज हमारे लिए बिल्कुल अच्छी हो, कोई भी हमारे संग बिरा ना हो। पर जैसे ही ये वॉर हुई, हम जितना घबराए थे, हम जो शेल्टर रूम में 8-8 घंटे हर एक टाइम रह के आए हैं, एक दिन तो हम पूरा दिन भी रह के आए थे जी। भूमिका जी, बीच में एक ऐसा भी पल आया होगा जब आपको लगा होगा कि शायद अब तमाम उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं और शायद आपकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया हो, लेकिन बीच में क्या कुछ वो चीजें रही जिन्होंने आपकी मदद की और उसके बाद वापस आप स्वदेश तक लौट पाए? मैम, जैसे कि इंडियन एम्बेसी ने हर एक एडवाइजरी निकाली थी कि हमें कैसे कैसे जाना है, हमें कहाँ से ट्रेनिंग मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, शेड्यूल प्रोवाइड करे थे, हमें जो ऑनलाइन नंबर दिए गए थे उन सब पे हमारे से बात हो रही थी, हमें वो लोग गाइड कर रहे थे कि आप कैसे आ सकते हैं, हम आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे कैसे मिलेंगे, अगर आपको कोई और इश्यू आ रहा है तो वो भी हमारा सुन रहे थे और उसे भी सॉल्व करने में हमारी गवर्नमेंट हेल्प कर रही थी जी। भूमिका जी, यूक्रेन के आप कौन से शहर में फंसी थी? मैम, लवीव जी। और वहां पर मौजूदा हालात कैसे थे ये भी आपसे जानना चाहेंगे, युद्ध का कितना असर वहां पर देखने को मिल रहा था? मैम, जैसे कि बताऊं, मेरा एक दोस्त था जो थोड़ी सी 200 किलोमीटर दूर रहता था, उनके हॉस्टल में से खाना चोरी हो गया था। हमारे हॉस्टल में भी आए थे लोग, पर हमने उसे खाने की जगह हमने सब अलग कर दिया था, हम दूसरे फ्लोर पे रहते थे, दूसरे फ्लोर पे खाना था,
वहाँ पे लोग मतलब भगदड़ इतनी ज्यादा मच गई थी कि कोई नहीं जानता कि मतलब लोग अलग अलग जगह पे अपनी गाड़ियां ले लेके जा रहे हैं, कोई किसी के लिए रुक नहीं रहा है कि मतलब कि हेल्प कर दें या कुछ कर दें। जी भूमिका जी, इसके अलावा कितने लोग आप वहाँ पर हॉस्टल में रुके हुए थे और उससे पहले जब युद्ध जैसे हालात? जी 30 स्टूडेंट्स थे जी, जिसमें से हम 40 स्टूडेंट पहले दो दिन चार दिन पोलैंड बॉर्डर पे गए थे। फर्स्ट डे हम 26 किलोमीटर पैदल चले थे, उसके बाद हम 3 डेज वहाँ रुके थे जिसमें से 2 डेज हम बिना खाना और पानी के थे। उसके बाद हम वापस 26 किलोमीटर पैदल चल के भी आए। जी भूमिका जी, जी बिल्कुल, रास्ते की अगर बात करें, क्योंकि आपने बताया कि काफी ज्यादा मार्ग ऐसा भी था जो आपने पैदल तय किया, इस बीच भी किसी ने आपकी मदद नहीं की? अगर बात यूक्रेन प्रशासन की जाए या फिर वहां के स्थानीय लोगों की जाए, क्या वो आपकी मदद के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आए? नहीं मैम, वो नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। और उनका जो पोलैंड बॉर्डर पे 27 को कुछ स्टूडेंट को अंदर लिया गया था, उसमें से एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था जो कि 4 दिन तक यूक्रेन बॉर्डर से तो अंदर चला गया था, पर उसे पोलैंड बॉर्डर उसके पहुंचने नहीं दिया गया था। 4 दिन तक उसे उसी 8 किलोमीटर में बैठाया गया, उससे उसके बैग छीन लिया गया, पैसे छीन लिए गए। उसने बहुत विनती करी कि मेरा फोन दे दो, मैं बाहर का बच्चा हूँ, तब जाके उन्होंने उसे उसका फोन वापिस करा था। यानी कि हालात बेहद ज्यादा चिंताजनक है। अभी आपको क्या लगता है, क्योंकि जाहिर तौर पर आपके कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स भी होंगे जो अभी यूक्रेन में ही मौजूद हैं, उनकी ओर से आपके पास भी जानकारी मिल पा रही होगी, क्योंकि देखिए एक जमीनी हकीकत इस समय खबरें अभी तक के दर्शक आपके जरिए सुन पा रहे हैं, तो उनका क्या कुछ कहना है? जो बच्चे फंसे हुए हैं क्लिव में, जैसे कि मेरा एक फ्रेंड था जिसको 24 की उसकी फ्लाइट थी, वो अभी भी वही शेल्टर होम में फंसा हुआ है, वो अभी तक नहीं निकला है, ना ही उसके पास अभी कोई मदद पहुंची है। और यूक्रेनियन जो लोग हैं वो जैसे खाना लेने के लिए निकलता है तो बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं उसके संग, अब तो वो फोन लेके भी नहीं जाता कि कहीं चोरी ना कर ले। जी बहुत बहुत शुक्रिया भूमिका जी, आप हमारे साथ जुड़ी और जो एक आंखों देखी सच्चाई थी, आंखों देखी जानकारी जो आपने खबरें अभी तक के दर्शकों को दी।